जय श्री राम। आज का विषय थोड़ी गुरु परंपरा की ओर। वैसे तो गुरु के बारे में, गुरु के महत्व पर लिखना, बोलना या वक्तव्य देना एक असंभव सा लगता है। लगता क्या है, असंभव होता है। भारतीय शास्त्रों में गुरु शब्द पर बहुत कुछ बताया गया है, बहुत मार्गदर्शन दिया गया है। यह विषय बड़ा विशाल है, जिस पर किसी भी चर्चा को समाप्त कर पाना असंभव है। आज हम संक्षेप में, गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा गुरु शिष्य का संबंध, गुरु की दृष्टि का महत्व, इस पे एक संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध, यह संबंध कोई सांसारिक संबंध नहीं है। गुरु से वैसे तो आपका कोई संबंध नहीं, फिर भी उससे सभी तरह के संबंध जुड़ जाते हैं। बड़ा ही जटिल संबंध है, कुछ भी नहीं और फिर सब कुछ। गुरु क्या है? गुरु एक तेज है जिसके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वह मृदंग है जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनने आरंभ हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही माने में मिलती है तो भव सागर पार हो जाती है। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सत्य चित्त और आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर पुलकित हो जाता है, आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई भी कभी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सद शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी सभी नहीं समझ पाते। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सतगुरु का दर्शन किया जाता है, दृष्टि डाली जाती है। दर्शन शिष्य करता है, दृष्टि गुरु डालता है। गुरु एक केसरदार और जादू भरी दृष्टि के बारे में संतों और महात्माओं ने अपनी वाणी में बहुत कुछ लिखा है। गुरु की दृष्टि, नजर या निगाह जब आप पर पड़ जाए तो इसका मतलब है, यह भाव है कि गुरु आपको दृष्टि के रूप में आप पर मेहर लुटा रहे हैं। इसके प्रभाव को अकल के घाट पर बैठकर नहीं समझा जाता। इसका संबंध गुरु और शिष्य से है। गुरु की एक नजर आप पर पड़ जाए, बस कमाल हो जाए। संत लोग अपना तजुर्बा बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए न जाने कहां कहां भटके। पानी में खड़ा रहा, आग में तपता रहा, जंगलों में भटकता रहा, जगह जगह की यात्राएं करता रहा, पर वो बात जो मैं चाहता था पूरी ना हो सकी, और वो है परमात्मा से मिलाप। क्योंकि मन जिसकी मदद से काम पूरा होना था वो बाहर दौड़ता रहा, पर आखिर में एक मेहर की नजर मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे मुर्शिद ने मुझ पर डाली तो बस मेरी हर मुराद पूरी हो गई। मैं स्थिर हो गया, सांसारिक इच्छाओं की जड़ कट गई और परमात्मा से एक आनंददायक मिलाप हो गया। जब तक वो दृष्टि ना मिले, चाहे दुनिया की सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, कभी तृप्त नहीं। सतगुरु की एक दृष्टि जीव की सभी इच्छाएं मिटाकर उसे परमात्मा से मिलाप के काबिल बना देती। कामिल सतगुरु की एक नजर सारी उम्र की इबादत से बेहतर होती है, पर इसमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण से भी पूर्ण, इसमें कम कुछ भी नहीं होने वाला।
अगर कहीं भी न्यूनता रहेगी तो हृदय के तार जुड़ नहीं पाते। अगर ऐसी श्रद्धा हो तो ऐसी श्रद्धा में अहंकार उपजता है, वह श्रद्धा असीम नहीं है, सीमित है, नपितुली है, चातुर्यपूर्ण है, चालाकी है उस श्रद्धा में। बस परिधि पर गुरु शिष्य का संबंध बन जाता है अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण पूर्ण से भी पूर्ण है। परिधि पर बने हुए संबंध टूट जाते हैं, अंतर का संबंध बन पाता है। केंद्र पर संबंध बने तो वह अटूट बन जाता है, बिल्कुल शाश्वत, निश्चल, सुदृढ़। और बिना इस तरह के संबंध बने परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का दर्शन असंभव है। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु शिष्य संबंध में किसी प्रकार की स्थिरता न आने दें। विद्रोह और विरोध दोनों ही गुरु के प्रति अपराध माने गए। गुरु के आचरण की समालोचना से आपका कुछ भी हित होने वाला नहीं है, इससे आपको अश्रद्धा का ही संकेत मिलेगा। गुरु वचनों के प्रति आदर एवं श्रद्धा रखकर उसके अनुसार रूपांतरण करें। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर संपूर्ण समर्पण भाव करें। गुरु सूर्य बन जाए, आप ग्रहों की तरह उनकी परिक्रमा करने लगें और आपकी चेतना गुरु के चारों ओर घूमने लगे, तभी आपके अस्तित्व का केंद्र बन सकता है। गुरु पूर्ण समर्पण चाहता है, थोड़ा भी कम नहीं, क्योंकि वह आपको अपनी पूर्ण संपूर्णता में अपनाता है। गुरु में विसर्जित होना ही शिष्य की पूर्णता है। यह जगत का नियम है कि बिना पात्रता के कुछ भी नहीं मिलता। यह ईश्वरीय नियम है कि पात्रता से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। यदि नहीं मिलता तो आप अपनी पात्रता का विश्लेषण करें, कहीं कुछ न्यूनता है जिसके पूरा होते ही आपका प्राप्तव्य आपको प्राप्त हो जाएगा। समर्पण आपका दायित्व है, श्रद्धा, भक्ति और आपका धर्म। जब तक त्रियात्मक समर्पण, तीन प्रकार का समर्पण, बौद्धिक समर्पण, शारीरिक समर्पण और आत्मिक समर्पण संभव नहीं होगा तो दीक्षा भी आपके लिए कुछ करने में समर्थ नहीं। इसलिए जब भी आप अपने गुरुदेव के पास दीक्षा के लिए जाते हैं तो पूर्ण समर्पण का भाव लेकर जाएं, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस विषय पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप दीक्षित होने के लिए किसी भी गुरु की शरण में जाते हैं तो आप अपनी पूर्णता, संपूर्ण समर्पणता लेकर के जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो।